आज मैं आपको दिखाऊंगा क्लासिक जो बुलेट है रॉयल एनफील्ड की और थंडरबर्ड है, ये जो इसके गियर है इसे कैसे फिट किया जाता है। कई मैकेनिक भाई जो हमारे है वो इसे खोलने से लिए डरते हैं और इसे फिट नहीं कर पाते। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे गियर को वापस रीअसेंबल कैसे करें। ये किसका गियर है, ये अंदर ही है, इसको मैंने नहीं निकाला हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये गियर को कैसे स्टेप बाय स्टेप फिट करते हैं। तो जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। चलिए अब हम ये गियर फिट करते हैं। सबसे पहले हम ये गियर शाफ्ट को पहले गियर लगाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये पहले ये वॉशर लिया है मैंने, इसे यहाँ रखना है। उसके बाद ये जो गियर है, जितने भी फ्री गियर है वहाँ पर वॉशर आएगा, इसे यहाँ रखना है इस तरीके से, और ये गियर इस तरीके से यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो ये वॉशर इसके काउंटर पे लगेगा, ये बॉडी पे ग्रीस मार के लगाना होता है। इस शेप के हिसाब से पूरा राउंड नहीं, आप देख सकते हो वन साइड थोड़ा सा कट है। अब ये डबल गियर है, तो डबल गियर में ये बड़ा वाला सीधा बाहर की तरफ रहेगा, छोटा वाला यहाँ अंदर जाएगा इस तरीके से ऐसे। अब उसके बाद जाएगा इसमें एक वॉशर यहाँ पर, और इसके बाद ये गियर जो है ये जो ये तीन पॉइंट ये है ये जाएगा यहाँ पर अंदर इस तरीके से। और ये जो वॉशर दिखाया था मैंने कट वाला, ये दोनों सिरों पे आता है, एक यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। ये इंजन पे इसे ग्रीस मार के लगाना होगा अपने शेप के हिसाब से बैठा के। चलिए तो ये रेडी हो चुका है, इसे मैं साइड पे कर लेता हूँ। अब हम ये दूसरा वाला शाफ्ट रेडी करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अभी मैं ये वॉशर है आपको दिखाता हूँ ये कहाँ लगेगा। ये लगेगा ये कवर पे, इस जगह पे इस तरीके से। ये जो इसका शेप है यहाँ पर ये कवर कर लेगा, यहाँ पर हल्का सा ग्रीस बॉर्डर पे मार के इसे यहाँ पर चिपका देना इस तरीके से, और फिर शाफ्ट लगानी है। सेम इसका दूसरे वाले कवर पे भी इस सेम ये कट का वॉशर वहाँ पर लगेगा, वहाँ भी ग्रीस मार के लगाना है। तो चलिए अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले ये वॉशर लेना है और ये शाफ्ट लेना है। ये वॉशर को देख सकते हो आप, इसे ये शाफ्ट के अंदर लगाना है इस तरीके से। अब ये जो गियर है, ये तीन फेसी दिख रही है, ये इस टाइप से यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। अब उसके बाद ये वापस एक वॉशर लेना है, ये वॉशर को यहाँ लगेगा, जो गियर फ्री रहेगा उसमें वॉशर लगेगा। अब इसे ये लॉक को है इसे हमें बैठाना है, तो ये लॉक को हम बैठा देंगे यहाँ पर। देख सकते हो यहाँ लॉक मैंने बैठा दिया, इस तरीके से बैठाना है। तो ये जो गियर है ये यहाँ पर लगेगा इस तरीके से,
उसके बाद जो ये गियर है ये यहाँ जाएगा इस तरीके से, देख सकते हो इस तरीके से। ये ऐसा उल्टा नहीं लगाना है, ये जब स्टिक जैसी आए ये बाहर आएगी इस साइड, और यहाँ वाली है ये इस साइड बाहर आएगी। अब देख सकते हो ये रिंग यहाँ बाहर रहेगी और ये रिंग यहाँ अंदर रहेगी। अब ये जो है गियर इसे इस तरीके से यहाँ लगाना, ये यहाँ लॉक होगा। तो ये शाफ्ट रेडी हो चुका है, इसका एक गियर इसके कवर में लगा हुआ है, इसे इजीली हम लगा के पुश कर देंगे। अभी इसे फ़िलहाल साइड कर लेता हूँ। अब ये मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके चेंजर है। अब ये गियर्स मैंने इसके लिए निकाला था ताकि ये जो रोड है इसमें थोड़ा सा कट हो चुका है हल्का सा, इसकी वजह से मैंने गियर निकाले थे। अब मैं इसे असेंबल कैसे करके दिखा देता हूँ। देखिए ये तीन है, पहला वाला हमें इस तरीके से यहाँ लगाना है, और छोटा है सबसे छोटा वाला ये, इसे इस तरीके से यहाँ जान देना है, और इसके बाद सबसे बड़ा वाला है इसे यहाँ जान देना है। इस तरीके से ये एडजस्ट हो चुका है। अब इसे गियर में असेंबल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ लग चुका है और ये सिंगल वाला है, इसे हम यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से ये गियर एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद मैं इसे कवर में बैठा दूंगा इस रोड को निकाल के। अभी फ़िलहाल मुझे रोड चेंज करना है, इसके लिए मैं इसे चेंज करने के बाद बैठाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर शैलेश। थैंक यू वेरी मच।